ऑलराइट गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होइएगा और रहने भी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मोटो इज्ड 14 नियो 5G स्मार्टफोन के बारे में, क्योंकि ये फोन तो ऑलरेडी 4 महीना हो चुके हैं मार्केट के अंदर में आए हुए, लॉन्च किए हुए, बट अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि क्या भैया ये फोन को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है 2024 के अंदर में। तो सारे चीज़ को इस वीडियोस के अंदर में कवर करने वाले हैं और बैटरी वगैरह से लेकर के भी बहुत सारे शिकायतें आ रही है, तो सारे चीज़ को इसी वीडियोस के अंदर में कवर करते हैं और चलते हैं और वीडियोस को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले इस फोन के अगर डिज़ाइन की बात कर लेता हूँ, तो डिज़ाइन वगैरह जो है वो काफ़ी प्रीमियम से आपको मिलती है, देखने में आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी, मतलब लगेगी कि ये एक अच्छी फ़ोन है। मतलब महंगी तो फ़ोन आपको ये 22,000 के 23,000 के अप्रॉक्स में मिलती है, बट देखने में भी ये टोटल मतलब वैल्यू फॉर मनी तो बनती है, क्योंकि डिज़ाइन जो इसका है ना बहुत ही कमाल का है। वैगन लेदर आपको बैक पैनल पे मिल जाती है और इन हैंड फील भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है आपके हाथों में, तो इसके लिए तो एक लाइक बनती है, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी प्रीमियम दिया गया है। अब बात कर लेते हैं अगर इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी इसका बहुत ही हाई लेवल का दिया गया, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले है, 6.55 इंच का फुल HD कर्व डिस्प्ले, और वो भी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है, पंच होल डिस्प्ले आती है 6.55 इंच का, मतलब मीडियम, मतलब अच्छा आपके इन हैंड फील लगने वाली है। तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, कर्व डिस्प्ले है, 144Hz रिफ्रेश रेट है, तो डिस्प्ले के अंदर में मुझे यूज़ करते हुए अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है, और कर्व होने की वजह से और भी ज़्यादा मस्त देखने में लगती है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनती है। अब बात कर लेते हैं इस फोन के अगर मल्टीमीडिया को लेकर के, तो मल्टीमीडिया भी बहुत ही कमाल का, इसमें आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है और HDR वीडियो जो है वह आप YouTube के अंदर में देख सकते हो, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप Netflix है उसके अंदर में आप HDR नहीं देख पाओगे, पता नहीं क्यों, बट इसका जो सारे चीज़ कैपेबल है ये फ़ोन, बट फिर भी आप Netflix नहीं देख पाते हो पाओगे अभी फिलहाल, हो सकता है कि अपडेट्स वगैरह है तो देख पाओगे, क्योंकि ये आपको YouTube के अंदर में HDR का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, और उससे बड़ी बात है कि इसमें एटमोस डॉल्बी साउंड का भी सपोर्ट दिया गया है, तो इसके लिए एक लाइक बनती है, बहुत ही कमाल का आपको साउंड क्वालिटी ऊपर और नीचे दोनों साइड से देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इस फोन की अगर प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर भैया इस फोन का बहुत ही दमदार दिया गया है, क्योंकि इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7030 का प्रोसेसर है, जो कि इंडियाज फर्स्ट प्रोसेसर ऐसा है, ये मोटो वाले कहते हैं कुछ ना कुछ हमेशा मतलब इंडियाज फर्स्ट लेकर के आते हैं, तो इसमें प्रोसेसर दिया गया। इसका बेंचमार्क स्कोर लगभग 5.5 लाख से 6 लाख के आसपास चली जाती है, जो कि अच्छा मानी जाती है, और अगर आप इसमें गेमिंग वगैरह का शौकीन है तो गेमिंग वगैरह भी आप इसमें कर सकते हैं, और गेमिंग वगैरह को लेकर के आप इसमें 60fps में BGMI जैसे गेम को COD और को बहुत ही आप कमाल का आप खेल सकते हैं। इसका जो फ्रेम रेट है थोड़ा सा भी लैग वगैरह नहीं करती है, तो ये मुझे बहुत ही बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है इस फोन के अंदर में, तो इसके लिए एक लाइक बनती है। हाँ, अब बात कर लेते हैं बैटरी की, तो भैया देखिए बैटरी जो है इसके अंदर में 5000mAh का दिया गया है, 68W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट ही मिल जाता है, जो कि लगभग आपको 25 से 30 मिनट में आपको बैटरी फुल चार्ज कर देती है, और कहने के तो यहाँ पे जो है कंपनी वाले कहते हैं कि आपको लगभग एक दिन से ऊपर चलने वाली है बैटरी, बट बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, बहुत ज़्यादा शिकायतें भी आ रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा सा एक बैटरी आपको चले, तो ये फ़ोन में थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड करना होगा, क्योंकि बैटरी जो है वो अपने खड़ी नहीं उतरती है, जबकि ये फोन हीटिंग वगैरह नहीं करती है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल कूलिंग 3.5K का चेंबर भी लगा हुआ है, जो कि इस फोन को ठंडा रखती है, और साथ साथ वेगन लेदर भी है, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलती है कि ये हीटिंग इशूज वगैरह है इस फोन के अंदर में, तो इसके लिए एक लाइक बनती है। बट बैटरी जो है वो थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज अगर करते हैं, अगर आप घर में रहते हैं तो नॉर्मली अगर आप चार्ज कर लेते हैं तो चलेगी, नॉर्मली अगर आप चार्ज करते हो तो लगभग 8-10 घंटा तो चली जाएगी, बट गेमिंग वगैरह करते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, कैमरा यूज करते हैं, अगर हैवी मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा जल्दी ही बैटरी इसका ख़त्म हो रही है, तो ये एक मुझे अभी तक प्रॉब्लम नज़र आई है, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है अगर आपने फ़ोन ले रखा है तो। अब बात कर लेते हैं इस फोन की कनेक्टिविटी को लेकर के, तो कनेक्टिविटी सारे जो 13 बैंड्स है 5G का वो मिल जाते हैं, उसके बाद आपको वाईफाई 6 ही मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, NFC का भी सपोर्ट आता है, मतलब 5G में आप कॉलिंग भी कर पाओगे, तो NFC देखा जाए तो बहुत ही कमाल का है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। अब बात कर लेते हैं इस फोन की कैमरा की, तो कैमरा भैया इसके अंदर में बहुत ही बवाल दिया गया कैमरा में, नो डाउट ये बहुत ही टोटल मतलब पैसा वसूल फोन होने वाली है कैमरा के मामले में, क्योंकि कैमरा इसमें मेन कैमरा जो है आपको 50 मेगापिक्सल 50 नहीं मतलब 50 मेगापिक्सल
50 मेगापिक्सल्स मिलते हैं विथ OIS और सेकेंड जो है आपको 13 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल का सपोर्ट मिल जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर फ्रंट कैमरा की बात कर लेता हूँ तो फ्रंट में भी आपको कम से कम आपको मिल जाती है 32 मेगापिक्सल्स देखने को मिल जाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो पिक्चर क्वालिटी वगैरह जो है बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। पिक्चर वगैरह में आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी और साथ ही साथ में आपको फ्रंट से भी बहुत ही कमाल का आप पिक्चर्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ है इसके अंदर में, जो कि अगर आप इसमें फ्रंट से और बैक से वीडियोग्राफी वगैरह करते हैं तो वीडियोग्राफी में भी आप 4K 30fps में कर सकते हो। और हाँ, एक और नया चीज इसमें है कि जो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है उसी से आप जो है वो माइक्रो शॉट्स वगैरह भी ऑटो फोकस ले सकते हैं, तो है ना कमाल की बात। और सारे जो भी सेंसर्स दिए गए सबसे आप 4K 30fps में आप वीडियोज को शूट भी कर पाओगे, वो भी स्टेबल के साथ। और एक और चीज, नया चीज इसके अंदर में है जो कि बहुत सारे जनरली इस प्राइस में नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें IP68 का रेटिंग दिया गया है, तो अगर आप स्विमिंग वगैरह में बारिश वगैरह में भींगते हैं जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं होने वाली है, क्योंकि फुली वाटरप्रूफ फोन है ये कंपनी कहती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर कह रही है तो आप लोग लेकर के मतलब नदी वगैरह में कूद जाओ, क्योंकि अगर आप जाते हो तो एक प्रॉब्लम आती है, भले ही आपका फोन नहीं खराब होती है बट कैमरा के अंदर में व्हाइट सा मतलब ब्लिंकिंग आ जाती है, तो थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए आप पानी के अंदर में जो है वो 10 फीट या फिर मतलब ज़्यादा गहराई में लेकर के उतरोगे तो ये होना ही है, क्योंकि अगर आप एक 20-22 हज़ार के फ़ोन में इतना कुछ एक्सपेक्टेड मिल रही है, और देखा जाए तो मेरे हिसाब से ठीक ही फ़ोन है, वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। बस एक ही चीज़ प्रॉब्लम है कि बैटरी थोड़ा सा इसका कम चलती है, अगर आप उतना मैनेज कर लेते हो तो ये फ़ोन आप ले सकते हैं। बाकी आप लोग का क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर एंड गुड बाय।